नमस्कार, मैं रेणु मीणा, खबर 24 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक है श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, झालावाड़ जिले की डिजिटल क्लासरूम वाली एकमात्र आईटीआई। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सार्वजनिक निर्माण विभाग पर लगाए आरोप, उनकी निजी भूमि को निर्माण कार्य में लेने के दौरान मुआवजे की मांग। भवानी मंडी वार्ड नंबर 29 में सीसी सड़क निर्माण का हुआ भूमि पूजन, 4,08,00,000 की लागत से बनेगी सड़क। पिड़ाओ उपखंड के जेताखेड़ी में ग्रामीणों ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, डामर रोड की निजी जमीन के बजाय मनरेगा ग्रेवल पर बनाने की मांग। व्यापारी संघ के व्यापारियों ने एसडीएम व डीवाईएसपी को सौंपा ज्ञापन, गंगधार थाना क्षेत्र के चौमेला में गत दिनों आधा दर्जन चोरी पर जताई नाराजगी। दो दिनों से जारी बारिश के क्षेत्र के नदी नालों में बह निकला पानी, भवानी मंडी पिपलाद बांध में क्रेस्ट लेवल पर पहुंचा पानी। क्षेत्र के हजारों मोबाइल लेड लाइन फोन व ब्रॉडबैंड सुविधा हुई बंद, भवानी मंडी बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर की दोनों केबल कटने से हुई परेशानी। भवानी मंडी में पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ठेके पर कार्यरत कर्मिकों को न्यूनतम मजदूरी व पीएफ का लाभ दिलाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी बीते दो दिनों से जारी बारिश से क्षेत्र के नदी नालों में पानी बह निकला, वहीं क्षेत्र के बांधों के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से लगातार पानी की आवक जारी है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आजाद जैन ने बताया कि क्षेत्र के पिपलाद बांध क्रेश लेवल से 3.5 फुट नीचे चला गया था, बारिश होने से अब क्रेश लेवल तक पानी वापस पहुँच गया है। इसी प्रकार भीमनी बांध से 19 फुट के मुकाबले 11 फुट पानी की आवक हुई है। विनायका बांध में 19.25 फुट के मुकाबले 3 फुट आवक दर्ज की गई है, जबकि क्षेत्र के अन्य बांध मोगरा, जसवंतपुरा, ठीकरिया में कैचमेंट क्षेत्र सही नहीं होने की वजह से यहां पानी की आवक नहीं हो सकी। पिपलाद बांध के मुख्य गेटों के बिल्कुल समीप लसूड़िया व सूलिया की ओर बांध की कच्ची पाल से मिट्टी का कटाव हुआ है, जिसे अभी तक नहीं सुधारा जा सका है। बांध पर कार्यरत चौकीदार ने बताया कि मिट्टी के कट्टों के आने के बाद ही कटाव को भरा जा सकता है। तहसील सूत्रों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 95 mm करीब 4 इंच बारिश हुई है, जबकि 15 जून से अब तक 193 mm बारिश हुई है। शुक्रवार तड़के 4 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई थी। वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने के समाचार मिले हैं। भवानी मंडी में भारत संचार निगम लिमिटेड की गुरुवार शाम को उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ऑप्टिकल फाइबर की दोनों केबल कटने से क्षेत्र के हजारों मोबाइल लैंडलाइन फोन व ब्रॉडबैंड सुविधा बंद हो गई। शुक्रवार शाम तक लाइनों को दुरुस्त करने के लिए गड्ढों से पानी निकाला जा रहा था। लाइनें शनिवार सुबह तक ठीक होने की संभावना जताई गई है। जूनियर इंजीनियर के बिरला ने बताया कि उपखंड अधिकारी के सामने एक खेत मालिक ने गुरुवार शाम को खेत का पानी निकालने के लिए जेसीपी से नाले की 10 से 12 फुट तक खुदाई करा दी, जिससे दोनों ऑप्टिकल फाइबर केबलों के साथ प्रोटेक्शन केबल भी कट गई एवं उसमें काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे सुनेल, भवानी मंडी, दक, चौमेला, पगारिया, आवर, मिश्रोली सहित आसपास के कस्बों में हजारों मोबाइल लैंडलाइन फोन व ब्रॉड सुविधा बंद हो गई। शुक्रवार को जब नाले से पानी बाहर निकाला जा रहा था तो वापस इतना ही पानी वापस भर गया, जिससे फॉल्ट नहीं मिल पा रहा था। बिल्ला ने बताया कि फॉल्ट मिलते ही लाइन दुरुस्त कर दी जाएगी। है?
सोच लो ये घर आइए करियो नाप लीजिए तो भी नहीं। पिड़ावा जेताखेड़ी ग्राम वासियों ने गर्दन खेड़ी के जेताखेड़ी में 1.80 किलोमीटर डामर रोड की निजी जमीन पर नहीं बनाने मनरेगा ग्रेवल रोड पर बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गर्दन खेड़ी से खेताखेड़ी तक 1.80 किलोमीटर डमरीकरण रोड बनाया जा रहा है, जिसको चंद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आराजी भेरूलाल पप्पूलाल पुत्र राधेकिशन की निजी जमीन पर बनाया जा रहा है। वहीं चंद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खसरा 8 व 9 पर स्थित बड़े बड़े पेड़ पौधे जेसीपी मशीन से उखाड़ दिए, जबकि मनरेगा ग्रेवल रोड गर्दनखेड़ी सीमा से जेताखेड़ी तक वर्तमान में बना हुआ है। यह ग्रेवल रोड राव प्रावी जेताखेड़ी पेयजल टंकी व माता जी के मंदिर को जोड़ता हुआ है। ग्रामीण के नए डामरीकरण सड़क निजी जमीन पर नहीं बना के मनरेगा रोड पर डामरीकरण सड़क बनाने की मांग की। इस दौरान भाजपा पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्रीलाल डांगी, वार्ड प्रंच प्रेमबाई सीताराम, बाबूलाल प्रभुलाल, रमेश चंद्र, राधेश्याम, बापूलाल पुरीलाल, जितेंद्र सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के चौमेला व्यापार संघ के तत्वाधान में दर्जनों व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के नाम गंगधार उपखंड अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक भवर सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि चौमेला कस्बे के गत दिनों से करीब आधा दर्जन चोरियां हुई है, जिसमें हजारों रुपए की लूट हुई है, जिसको लेकर कस्बे के व्यापारियों व आमजन में रोष व्याप्त है। व्यापारियों द्वारा चोरियों का जल्द खुलासा आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। 7 दिन में चोरियों का खुलासा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन बाजार बंद की चेतावनी दी। और ये उसके खिलाफ व्यापार संघ और ग्राम पंचायत ने आज ज्ञापन दिया है, 7 दिन का टाइम दिया है प्रशासन को, अगर नहीं होता है तो 7 दिन बाद फिर हम चौमेला बंद का आह्वान करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। समीप मिश्रोली ग्राम पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बन रहे रोड को लेकर जताया विरोध। वहीं ग्रामीणों की जमीन निर्माण के दौरान अतिरिक्त आने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से सार्वजनिक विभाग निर्माण योजना का चल रहा है काम, खातेदारी भूमि को उचित मुआवजा देने को लेकर की मांग। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय पर पीएसडी तकनीकी कर्मचारी संघ के ठेके पर कार्यरत कर्मिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ एवं पीएफ व ईएसआई का लाभ दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ के सदस्यों ने बताया कि जलदाय विभाग खंड भवानी मंडी में कई वर्षों से ठेके पर कार्यरत अस्थायी कर्मिकों को श्रम विभाग एवं राज्य सरकार से घोषित न्यूनतम मजदूरी 213 रुपए प्रतिदिन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही विभाग के विभिन्न कार्यों को ठेके पर कर रहे कार्यक्रमिकों को पीएफ एवं ईएसआई का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि श्रम कानून के तहत दंडनीय अपराध है। इस दौरान संघ के लक्ष्मी नारायण नागर, अब्दुल नफीस, बजरंग लाल वर्मा, बालकृष्ण, राम प्रसाद पुरी लाल, चेतन महेश आदि मौजूद थे। मजदूर एकता कर्मचारी एकता मजदूर एकता जिंदाबाद एकता। भवानी मंडी उपखंड के बाहर पीएचडी के कुछ वर्कर यहां खड़े हैं और ठेकेदार के विरोध में
नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनकी तनख्वाह जो इनकी बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार 15 घंटों से ये काम करते हैं और ये पीएचडी के सारे कर्मचारी हमारे पीछे हैं कि अध्यक्ष से हम बात करते हैं कि आखिर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है तो पूरा मामला क्या है, क्यों ठेकेदार के खिलाफ आपने नारेबाजी की और क्यों उपखंड अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया। खंड अध्यक्ष भवानी मंडी तकनीकी कर्मचारी संघ पीएचडी, आज ये जो ज्ञापन दिया आपने, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है मामला पूरा? इसमें क्या है, मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा, समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है और कर्मचारियों को चार चार पाँच पाँच महीने हो जाते हैं लेकिन ठेकेदार भुगतान नहीं किया जाता है और ठेकेदार से भुगतान मांगा जाता है तो ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को हटाने और उसके खिलाफ कर्मचारी के खिलाफ दादागिरी की जाती है और इस पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अधिकारियों से भी कितनी बार कह चुके हैं लेकिन उनका है जो समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। देखा आपने, इन्होंने बताया कि ठेकेदार की मनमानी की जाती है और समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और बारिश का सीजन भले शुरू हो गया लेकिन भीषण गर्मी में जो पेयजल की व्यवस्था होती है वो ये लोग करते हैं। मैं लोकेश मोकाना, खबर 24 से। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 29 में 4,18,00,000 की लागत से सीसी रोड का निर्माण हुआ। लंबे समय से रोड न होने की वजह से वार्ड वासियों को परेशानी आ रही थी, 10 वर्षों से वार्ड वासी परेशान थे। वहीं आज क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सुनेरीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और सभी जन प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर वार्ड वासियों ने खुशी जताई। विधायक ने कहा कि नगर पालिका पिछले 2 वर्षों से भवानी मंडी में कई विकास कार्य करवा रही है, कई वार्डों में निर्माण कार्य हो रहे हैं। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, वार्ड पार्षद रामधन मीणा आदि मौजूद थे। आनी मंडी के नगर पालिका 29 वार्ड में सीसी रोड का उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र जी सुनेरीवाल के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है और कुछ समय के बाद ये रोड अच्छे से बन जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ के विधायक साहब से। सर, आज जो विकास की गंगा जिस तरह नगर पालिका बह रही है और सब जगह सीसी रोड बने जा रहे हैं, बारिश के मौसम में भी उद्घाटन हो रहा है, आखिर विकास को लेकर क्या आयाम है? भवानी मंडी नगर पालिका ने पूरी भवानी मंडी को आप चारों तरफ से देखिए, आपकी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बिल्कुल मजबूत सड़कें, सीसी सड़कें और इस प्रकार से यहाँ पर हर दृष्टि से हमने विकास के बहुत बड़े नए आयाम स्थापित किए हैं। ये कुछ वार्ड हैं जहाँ पे कहते हैं कि गरीब बस्तियाँ बस्ती है, उनमें हमने 4,18,00,000 का प्लान बनाया है। उन सभी वार्डों में चेयरमैन साहब को और ईओ साहब को, मैंने पूरे बोर्ड के मेम्बरान को कहा है कि आप खुद खड़े रह के मजबूत काम कराइए, गुणवत्ता का काम कराइए, ताकि ये लोग जो बरसों से कीचड़ में रहते थे उनके लिए अच्छे अच्छे रोड मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सरकार का ये मानना है कि हर सिटी स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका पर लगातार लगा रही है और काम विकास हो रहा है, आखिर आपका क्या कहना है? आप उनसे पूछो कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कोई जांच लोकायुक्त में लंबित है तो उसकी ईओ और कलेक्टर और दूसरे कुछ कर नहीं सकते, और कौन सा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने कल भी जो उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। अभी बारिश का समय है, आदमी नहाने के लिए अपने सारे कपड़े खोल लेता है। देखा आपने, क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सुनेरीवाल ने कहा है कि सीसी रोड का उद्घाटन हम सब जगह कर रहे हैं और बात विकास की जब आती है तो नगर पालिका लगातार 2-2.5 साल से विकास की गंगा बहा रही है, भले कांग्रेस का प्रत्यारोप आरोप जो लगता रहे वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठा है। मैं लोकेश मोकाना, खबर 24। भवानी मंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने मुख्य आतिथ्य और क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सुनेरीवाल की अध्यक्षता में 30 जून 2018 को बैठक का आयोजन होगा। बैठक गणेश मंदिर परिसर मगन भाई मार्केट में शाम 7 बजे आयोजित होगी। इससे सभी बीजेपी कार्यकर्ता और प्रतिनिधि मौजूद होंगे, यह जानकारी मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित ने दी। We'll be right back.
इस बुलेटिन के प्रायोजक थे श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई झालावाड़ जिले की डीजल क्लास वाली रूम वाली मात्र एक आईटीआई। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।